नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस दे रहा हूं। कल जब मैं दिया था इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का VVI, तो वो बिल्कुल आप लोग देखें कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है। तो आज मैं उसी को देखते हुए सोशल साइंस पर भी बना रहा हूँ। सोशल साइंस में आपके सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे आ जाएंगे। तो सारे का ऑब्जेक्टिव मैं एक ही में वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1945। 1945 में वियतनाम जो है इंडिपेंडेंस हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। नेक्स्ट है, यंग इंडिया की स्थापना किसने की? तो यंग इंडिया की स्थापना मेजनी ने की थी। और दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको वहाँ ABCD करके ऑप्शन देगा, मैं वैसा लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं कुछ ABCD करके दिया हूँ और कुछ आपको फिलर्स रूप में दिया हूँ, आप कैसे भी इसे याद कर लो, ठीक है। इस तरह से और आपको याद करने में आसानी होगी। यंग इंडिया की स्थापना बता दिए, दास कैपिटल ही बता दिए कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। बिहार में बालू मिश्री जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दियारा की मिट्टी। नेक्स्ट देखिए है, नेपाल भारत के किस दिशा में है? तो नेपाल भारत के उत्तर दिशा में है। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो वो है आपका श्रीलंका। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, मिक्स्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय की गणना कब की गई थी। 1868 में याद रखिएगा किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने इसका विवरण किस पुस्तक में दिया था? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर ये भी पूछा जा सकता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इस ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी बताया गया था? इसको याद रखिएगा, 20 रुपया बताया गया था। ये काफ़ी VVI है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसका लाइन ही ले लिया है कि इस लाइन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग देख लें, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो वो है आपका कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, कोसी में बाढ़ आने के कारण क्या है? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ़ का पिघलना, नदी में गाद जमना, तो सारे हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका जर्मनी में हुआ था, ठीक है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास। पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था, इसको लिख लीजिएगा, 1932 में पूना समझौता हुआ था। यंग इंडिया के संपादन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। और जूट उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर। नेक्स्ट है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में हुई।
भारत के प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, तो सभी होगा इनमें, इनमें सभी भारत की सामाजिक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विषय अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त से पीड़ित है। नेक्स्ट है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो वो आपका है पंचायती राज से है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल गंगा तिलक और किसके द्वारा होम रूल लीग की आंदोलन को शुरू किया गया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपके नगर। कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो NH7। नेक्स्ट है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कैगा जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, जिसे हम लोग बसपा बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा महाजन। यहाँ गलती है, समाजन लिखा हुआ है, यानी बी में देख लीजिए, महाजन होगा, महाजन से लोग पैसा उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ जो दिखा रहा हूँ वो आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या बोलते हैं, या ऐसे पूछ देगा राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। तो देखिए जिस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उस तरीके से सब्जेक्टिव में जाकर भी आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के बता रहा हूँ कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो वह है प्राकृतिक आपदा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ से भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुई? तो 1930 ईस्वी में डांडी से। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो किए थे आपके बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका, इन्नौर पत्तन कहाँ स्थित है? तो इन्नौर पत्तन जो है वो है आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उसका राइट आंसर है 8। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में है। ठीक है, तेल चीन की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई बोलते हैं। नेक्स्ट है, उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के रूप में प्राप्त किया गया? तो सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
ये जो है राष्ट्रीय पार्टी है, क और ख, ठीक है, बोध दोनों है। नेक्स्ट है, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है और नेपाल की भी है, तीन में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका जो है वो है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए आपका, कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है? तो वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट है, कौन सा सूखा का प्रकार नहीं है? तो वो है स्थानीय सूखा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो 1885 में। प्राचीन काल में किस अस्त्र मार्ग से एशिया यूरोप के मध्य व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रेशम मार्ग। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के समय शासक था? तो जार निकोलस द्वितीय आपका रूसी क्रांति के समय शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिसका राइट आंसर होगा बैमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में सिखाया जाता है? तो वो है आपका तमिलनाडु। कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? चीता। तमिलनाडु में स्थित सबसे दक्षिणी पतन को क्या कहते हैं? तो तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित सबसे दक्षिणी पतन है, तूतीकोरन। भारत का नारियल प्रदेश कहलाता है केरल, केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1970 में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो है आपके ब्रिटेन। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना जिले की। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपका जापानी। भूकंप केंद्र के उद्भादक पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या होता है? उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इटली यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुआ था आपका तुर्की का। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो पटना में गोलघर आपका 1786 ईस्वी में बन गया था, निर्माण हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जेम्स हार ग्रीव्स, जेम्स हार ग्रीव्स, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार ग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट है, कौन धातु खनिज नहीं है? तो यह है आपका अभ्रक। जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? राउरकेला। कर्नाटक के लौह इस्पात उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा भद्रावती, भद्रावती। चपला क्या है? चपला सीमेंट का एक कारखाना है। नेक्स्ट है, लिच्छवी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लिच्छवी जो है बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारतीय यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है, भारतीय का केंद्र बैंक यानी भारत का केंद्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आर्थिक सुधार नीति की विशेषताएं क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इनमें से आपके सभी होंगे। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो वो है आपका निकोबार। 1954 में भारत सरकार बाढ़ नियंत्रण की कितने प्रकार की योजना बनाई थी? तो 3 परियोजना। साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो रूस से हुई। भारत में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर आपका 1918। खेरा
सत्याग्रह 1918 में शुरू हुआ। हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक जो थे वो हु पनो। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है तो अजैव होगा। मैग्रोव्स का अधिक विस्तार कहाँ है, सुंदरबन में। सूती वस्त्र आधारित उद्योग है तो सूती वस्त्र आधारित उद्योग कृषि है। उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैश्चर विधि का विकास किसने किया था तो हैश्चर विधि का विकास लेहमान ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की दलीय पत्ती शामिल है तो वो है बहुदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है तो लोकतंत्र में आस्था। निम्नलिखित में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वह है आपका भारत। भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ, 1904 में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को बोलते हैं। महासागर के तलीय पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, सुनामी नाम से जाना जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत में छापाखाना कहाँ प्रारंभ हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। दास कैपिटल के लेखक कौन है तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, मुंबई हाई क्यू प्रसिद्ध है तो वो है आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, रोहतास में होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है तो पटना में है। नेक्स्ट है, भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा उसके किस अवस्था में की जाती है तो उसके युवावस्था में की जाती है। कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है तो वो है आपके सांप्रदायिकता। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है तो वो है आपका मुंबई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत आपके 1989 में हुई थी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, वर्षा की कमी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार। वियतनाम की समाजवादी शक्ति के प्रभुत्व में था तो वो फ्रांस के प्रभुत्व में था। टाटा एंड सन्स स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसके सम्मेलन के द्वारा हुआ तो इसके थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है वन को तो 3 वर्गों में बांटा गया है। रेल वर्ग सब कहाँ है तो ये जमालपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक कृषि। नागपुर किस योजना से संबंधित है तो सड़क योजना से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में 1972 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था वो भी देख लीजिए तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा बंदरगाह देख लीजिएगा, तारापुर परमाणु विद्युत गृह
कहाँ है? तो मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात राज्य में, कैगा कर्नाटक में, ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रदेश देश का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये सारा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बारमेन बेसिन, इस बेसिन के मांगला क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू किया गया। ठीक है, ये काफ़ी VVI है, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट है, कौन क्षेत्रीय दल है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी। ठीक है, ये तो नेशनल है, ये भी नेशनल है। 1970 में आम चुनाव में किसकी पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।